तो जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2000 से 2005 के बीच में, तो बिहटा में एक बियर की फैक्ट्री लगी थी जिसका नाम था आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड। ये अमित कात्याल की कंपनी थी आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते उनकी मदद से और बिहटा में बियर की फैक्ट्री लगाई, जिस कंपनी में लालू यादव की दो बेटियां भी डायरेक्टर थी। तो ये एके इन्फो सिस्टम अमित कात्याल के नाम से, ए का मतलब अमित, के का मतलब कात्याल, तो एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यानी अमित कात्याल इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। हम ये एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसके मालिक थे अमित कात्याल के भाई राजेश कात्याल, इन दोनों भाइयों ने अपना शेयर, आपको मालूम कंपनी में शेयर होता है और जिसके पास शेयर होगा वही कंपनी का मालिक होगा, तो आज की तिथि में इस कंपनी में 8,500 शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 1,500 शेयर जो है वो तेजस्वी यादव के नाम से है। तो 2014 से लेकर आज तक इस कंपनी की मिल्कियत किसके पास है, मालिकियत किसके पास है, और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है। और मात्र 1,00,000 रुपये में इन लोगों ने शेयर खरीदी और शेयर खरीद कर एके इन्फो सिस्टम के वो मालिक बन गए। इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव पहले डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय रागिनी लालू, ये जो रागिनी यादव नाम आता है उसका वास्तव में नाम रागिनी लालू है, ये रागिनी लालू उसकी डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कोई बन सकता है, लेकिन मालिक वही होता है जो शेयर होल्डर होता है, जिसका कंपनी का शेयर होता है। ये जो एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है यानी अमित कात्याल इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके 97% शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 3% शेयर जो वो तेजस्वी यादव के नाम से है। और इस प्रकार 1,00,000 रुपये में एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ये लोग मालिक बन गए। और इसी कंपनी के नाम से 2006 में कंपनी बनी है, इसी कंपनी के नाम से हजारी राय ने अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि जमीन एके इन्फो सिस्टम में आ गई और उस कंपनी के मालिक कौन हो गए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो आज उस जमीन के मालिक कौन है, तो राबड़ी देवी तेजस्वी यादव उस जमीन के मालिक है। और ये वही अमित कात्याल हैं जिन्होंने 2010 में तेजस्वी यादव को 9,50,000 रुपये की गाड़ी उपलब्ध कराई थी। अमित कात्याल की कंपनी है ट्राइंगल ट्रेडिंग लिमिटेड, उसने 2010 में तेजस्वी यादव को 9,50,000 रुपये की गाड़ी उपलब्ध कराई। और इस अमित कात्याल ने तेजस्वी यादव को 30,00,000 रुपये का कर्जा दिया और 55,00,000 रुपये का कर्जा दिया तेज प्रताप यादव को, बाद में वो कर्जा माफ कर दिया गया। ये कर्जा कोई देता तो ब्याज सहित वसूलता है, लेकिन अमित कात्याल ने जो कर्जा दिया उसने वापस नहीं दिया, वो कर्जा माफ कर दिया गया। और इस एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कंपनी खोलता किस लिए, व्यापार करने के लिए, आज तक उसने कोई व्यापार नहीं किया कंपनी ने, एक नया पैसा भी कोई टर्नओवर नहीं है, 1,00,000 या 1,000 रुपया भी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। तो न तो कंपनी का टर्नओवर है, न ही कंपनी का कोई व्यापार किया कंपनी ने, उसने एक ही काम किया कंपनी ने, जमीन खरीदने का काम किया। पटना दानापुर सर्किल के मौजा चितकोड़ा सलेमपुर चितनावा बभनगावा आनापुर में इस कंपनी ने 21 भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 221 डिसमिल होता है, तो 221 डिसमिल शहर के अंदर की जमीन जो आवासीय जमीन रेजिडेंशियल जमीन है, ऐसे 21 भूखंड 2007 से 2010 के बीच में 2,16,00,000 रुपये में इस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया। तो इस कंपनी के मालिक कौन है, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, और कंपनी के पास 21 भूखंड के आज वो कंपनी मालिक है, उसके मालिक कौन है कंपनी के, तेजस्वी यादव। तो इसलिए इस
प्रकार तेजस्वी यादव एक इंफोसिस्टम के माध्यम से इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। अब सवाल होता है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? ये आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे, क्यों आयुष्मान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने में तेजस्वी में अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? फिर क्यों कात्याल परिवार ने 1,00,000 रुपये में अपने सारे शेयर राबड़ी देवर तेजस्वी को दे दिया? क्यों अमित कात्याल ने 45,00,000 का कर्ज दिया जो आज तक वापस नहीं हुआ? क्यों एके इंफोसिस्टम द्वारा रेलवे में नौकरी के लाभार्थी से जमीन लिखवाई? क्यों इस कंपनी ने 1,90,00,000 के अनेक भूखंड खरीदे? क्यों इस कंपनी ने अपने स्थापना काल से आज तक कोई व्यापार नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, कोई टर्नओवर नहीं किया, कल जमीन खरीदने का काम किया? क्या तेजस्वी यादव मात्र 15,000 खर्च कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्यों अमित कात्याल उनके भाई राजेश कात्याल ने इस कंपनी के सारे शेयर 1,00,000 में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेच दिया? तेजस्वी यादव, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव लंबे समय तक इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे और इसमें इस कंपनी की डायरेक्टर रागिनी लालू है और शेयर होल्डर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी है। क्यों इस कंपनी का इस्तेमाल रेलवे नौकरी के लाभार्थी की जमीन लिखवाने में किया गया? क्या कारण कि लालू के रेल मंत्री के दौरान ही अधिकांश जमीन खरीदी गई? जितनी जमीन खरीदी गई 2007 से लेकर 2010 के बीच खरीदी गई। लालू जी 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे के रेल मंत्री थे।